नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज मयंक कर्दम, BSc MLT फ्रॉम SMC मेडिकल कॉलेज। और आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ विवेकानंद कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस के अंदर। और आज मैं आपके लिए विवेकानंद कोचिंग की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसके लिए सबका इंतजार था कि भाई ये कब होगा, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज विवेकानंद की तरफ से सबसे पहले आपकी तरफ मैं लेके आया हूँ, जो है अपनी DMLT और DRT का 2017 और जो 18 बैच है उसके अपने एग्जाम के जो फॉर्म होते हैं, रिमांडेड जो इनका एग्जाम होता है, ठीक है, 2017-18 जो बैच है उनका रिमांडेड का जो एग्जाम होता है उसके फॉर्म की आने की पूरी पूरी संभावना अपने दिसंबर के नेक्स्ट वीक, अपना जो ये मंथ चल रहा है दिसंबर, इसके नेक्स्ट वीक में उसका फॉर्म आने की संभावना पूरी 100% है। हमने पूरे अपने जितने भी कॉन्टेक्ट है उनसे पता करा है कि इसका फॉर्म अपने जो दिसंबर है उसके नेक्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा। तो आपका जो अपना फॉर्म है वो अपने दिसंबर के नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, और आपका जो एग्जाम है, जो रिमांडेड का एग्जाम लगता है, वो आपके अपने मकर संक्रांति के बाद 15 से 20, मकर संक्रांति के बाद 15 से 20 तारीख को जनवरी का जो मंथ है उसके अंदर आपका एग्जाम लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो बीच में आपके जो टाइम बच रहा है वो टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम है। उस टाइम में आपको मतलब बहुत सफिशियंट टाइम आपके पास है, उसमें आपको क्या करना है, अपने रिमांड की तैयारी करनी है, ठीक है। तो इस टाइम में क्या है, बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे सोचते हैं कि इतना कम टाइम है, फॉर्म भी आ चुके हैं, अब कैसे तैयारी करें, एक महीना बचा है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो विवेकानंद जो कोचिंग है, जो VCIPS जो कोचिंग है, वो एक बहुत ही बेस्ट और एकदम बेस्ट फैकल्टी जो यहाँ पर है वो आपके लिए बहुत बेस्ट कोर्स लेके आई है। रिमांडेड जो स्टूडेंट है उनके बच्चों के लिए बहुत बेस्ट जो बैच है वो स्टार्ट कर रही है, वो बेस्ट अपना बैच अपना स्टार्ट हो रहा है 18 दिसंबर 2021। ये डेट आप नोट करो, 18 दिसंबर 2021 से अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपका एक मंथ जो है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, जो एग्जाम बेस पे आपकी जो रिमांडेड के जो बच्चे परेशान रहते हैं कि सर हमारा रिमांडेड एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, सर हम इतना अच्छा पढ़ते हैं फिर भी नहीं निकल पाता, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके कुछ टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर नहीं है, और क्वेश्चन कभी कभी वहीं से आ जाता है और फिर आप क्या है उसको क्लियर नहीं कर पाते हो। तो हमारा जो ये अभी हमारी यही कोशिश रहेगी, जो हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो अपना एक मंथ की जो अपनी बैच चलेगा, जिसमें हम आपको रिमांडेड के एग्जाम के थ्रू, रिमांडेड एग्जाम जो अपना लगेगा उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो सब आपको बताया जाएगा। एक महीने का आपका जो होगा ये अपना बैच चलेगा, उसके बाद आपके एग्जाम लगेंगे, और जो हम आपको बताएंगे उसमें से आपके क्वेश्चन आने की संभावना, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, हमारा जो बैच अपन स्टार्ट करने वाले हैं उसमें से आपके रिमांडेड के एग्जाम, जो RPMC का रिमांडेड एग्जाम होगा 17-18 का, उसमें क्वेश्चन आने की संभावना लगभग 100% है। मतलब आपका जो हम आपको यहाँ पर जितना भी बताएंगे उससे आपके पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना लगभग 100% है, ठीक है। आपका 100% मतलब 1% का आपका डिफरेंस आ सकता है, लेकिन 99% आपके क्वेश्चन है वो इसी सिलेबस से आएंगे, ठीक है। देखो, हम आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक फायदा ये होता है कि देखो, आप बुक्स में पढ़ते हो तो बुक्स में क्या होता है, एक थ्योरी लिखी होती है, उस थ्योरी को आप पढ़ते हो और डायग्राम देखते हो, ठीक है। टीचर भी आपको बोर्ड पे इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आप क्या, इसमें हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या करते हैं, हम आपको वीडियोस दिखाते हैं, ठीक है, आपको डिजिटली क्या कराते हैं, डायग्राम शो कराते हैं, ठीक है, और आपकी जो थ्योरी है उसको शॉर्ट करके बताते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, अपन को क्या, रिमांडेड एग्जाम आ गया अपना, अपने पास सिर्फ एक मंथ है तो अपन इतना सारा तो पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अपन सिर्फ सेलेक्टिव चीज ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। जो आप लिखोगे तो आपको 100% नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, आपने कोई चीज पढ़ी और आपने पूरी थ्योरी लिख दी तो क्या करेगा, टीचर उसको नहीं पढ़ता, क्योंकि उसके पास टीचर के पास बहुत सारी कॉपी आती है तो वो सारी कॉपियों को ऐसे पूरी थ्योरी नहीं पढ़ पाता। तो हम जो ये बैच चला रहे हैं इसमें हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट, मतलब पॉइंट वाइज पॉइंट आपको जो भी आपको आंसर लिखना है वो आपको बताएंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी आपको सिलेबस में है ना, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको इस अपना जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं अपन 18 दिसंबर 2021 को, उसमें आपको ये पूरा कवर कर देंगे। तो मैं आपको इसी के साथ शुभकामना देता हूँ कि आपका जो रिमांडेड एग्जाम है उसका फॉर्म आप भरें, नेक्स्ट वीक में आपके वो फॉर्म आ जाएगा, और आपके जनवरी के 15 से 20 तारीख को मकर संक्रांति के बाद आपको वो एग्जाम लग जाएगा। तो एक मंथ की प्रिपरेशन आप हमारे विवेकानंद कोचिंग के साथ स्टार्ट करें और फिर अपना रिजल्ट देखें। अब मेरा पूरा 100% विश्वास है कि अगर आपने ये सिलेबस, अगर आपने जो ये बैच अपर आपने, मुझे पूरी आशा है कि आप अगर ये बैच, अगर आप ये इसको ज्वाइन करते हो तो मेरे को पूरी आशा है कि आपका जो पेपर आएगा उस पेपर में आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके कवर कर दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको शुभकामना देता हूँ, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।